नमस्कार दोस्तों, सोर्स आर्यन जीएस में आपको स्वागत है। हम काफ़ी दिन से वीडियो लेकर नहीं आए थे, लेकिन आज वीडियो आपके लिए बनाए। आप लोगों का बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे थे, सर बीएसएफ ट्रेड्समैन का भर्ती कब आएगा। बहुत सारे यूट्यूब पर भी लोग वीडियो बना रहे हैं, इतना पोस्ट आएगा, इतना पोस्ट आएगा, इसका अब नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन मैं आपको क्लियर फंडा बता देता हूँ, इतना गुमराह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो चीज़ है सच्चाई, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ आखिर की है क्या। तो देखो दोस्तों, इसको अभी कोई क्लियर नोटिफिकेशन ही नहीं आया कि इसका भर्ती कब आएगा, कितना पोस्ट पे आएगा। ये चीज़ मैं आपको रियली बता रहा हूँ। लोग आप लोगों को गुमराह करके जो भी बोले कि इसका भर्ती अगले महीना आएगा चाहे ये महीना आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि बहुत जल्द ही आप लोगों को बीएसएफ ट्रेड्समैन का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डॉक्यूमेंट है वो अपना तैयार करके रखें। डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिएगा तो आप लोग का ज़्यादा बेटर होगा कि भर्ती जैसे ही आएगा वैसे आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और टेट टेस्ट से रिलेटेड भी जो सर्टिफिकेट लगता है वो चीज़ आप लोग बनवा लें। और जो पुराने कैंडिडेट हैं जो पिछले बार भी फॉर्म भरे थे तो उनके पास तो सर्टिफिकेट ऐसे ही होगा, उनके पास तो होगा, उनका तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नए वाले हैं वो टेट सर्टिफिकेट बना लें। और दूसरी बात है कि अपना नए और पुराने वाले दोनों हैं जो डॉक्यूमेंट होता है, जैसे आवासीय हो गया, जाति हो गया, ओबीसी एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट होता है वो अपना बनवा के रख लें, क्योंकि इसका वैकेंसी जल्द आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है कि इसका भर्ती कल ही आएगा या आज ही आएगा या इसका अगले महीने से फॉर्म भरा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग अभी लगे रहिए, मेहनत कीजिए, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग पिछले बार में जो पुराने कैंडिडेट थे जो हमसे जुड़े हुए, उनको मैं बताता हूं कि जो जिस चीज़ में छटे थे उस चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ताकि आपको अगला बार उस चीज़ का मतलब सामना ना करना पड़े। जैसे आप लोग अगर मान लीजिए फिजिकल में छटे थे तो अभी से थोड़ा फिजिकल का मेहनत कीजिए, अगर टेट टेस्ट में छटे थे तो टेट टेस्ट से मेहनत कीजिए। टेट टेस्ट से रिलेटेड अगर आप लोगों का नहीं पता है तो आप लोग कमेंट्स कीजिए, उस पर भी मैं वीडियो बना रखा हूँ, नहीं तो फिर नए तरीके से मैं आपको वीडियो भी बना के दे दूंगा। बाकी जो मेडिकल में मेरिट में जिस चीज़ में भी छटे हैं आप, उस चीज़ से रिलेटेड आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ताकि इस बार वैकेंसी आए तो आप सिलेक्ट हो सके। तो बस इतना ही दोस्तों, ज़्यादा और कुछ भी नहीं, बस इतना ही बताना चाहता था कि आप लोग लगे रहिए। और इसका कोई फुल नोटिफिकेशन अभी क्लियर नहीं आया है कि इसका भर्ती अगले महीना से भरा जाएगा या 10 दिन के बाद भरा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, हालांकि नोटिफिकेशन जल्दी आएगा और जब आएगा तो मैं आप लोगों को क्लियर तरीका से बता दूंगा, पूरा दिखा के आपको टोटल ए टू जेड चीज़ मैं आपको बता दूंगा क्लियर ढंग से। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी भाइयों को राम राम और जय।